नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। जिस विधानसभा में मैं आया हूँ वो हरिद्वार का से पास में सटा कलियर है। ये कलियर विधानसभा है और यहाँ पर दो युवा छात्र तो नहीं कह सकते हैं, वो नेता है। मैं इसके संबंध में कॉन्टेक्ट में पहले से ही हूँ और काफी वक्त है वो राजनीति में है, चाहे कांग्रेस की राजनीति हो, आम आदमी पार्टी की राजनीति हो और या फिर हम भीम आर्मी में वो एक राजनीति के रूप में आए हैं। भीम आर्मी एक राजनीति के रूप से बनाया गया है, एक संगठन है, संगठन के रूप में काम करता है। इन लोगों से बात करने का मकसद हमारा है क्या? मकसद ये है कि विधानसभा कलियर में जो कांग्रेस की सीट है अभी वहां पर फुरकान अहमद अभी यहाँ पर विधायक है, उन मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे जो इस विधानसभा में कभी ना कभी उठते रहे हैं और उन पर कभी काम नहीं हुआ। ये युवा नेता है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में दानिश जी है और दूसरे नेता है तसव्वुर, इन दोनों से बात करेंगे। आपके पास में जो भीम आर्मी का जो पद है वो क्या पद है आप दोनों? भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष एडवोकेट दानिश साहब भी और वहीं से पार्षद भी गिराते हैं और भीम आर्मी के विधानसभा अध्यक्ष। और आप बताइए आपको क्या है? अब इससे बात करते हैं, आप उनके बारे में जान लेंगे, अगर और भी कोशिश करेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे। सवाल हमारे होंगे, जवाब आप लोग। राजनीति में आने का मकसद क्या था? अभी युवा चेहरे हैं आप, क्या मकसद था? क्या करियर में क्या बदलाव करना चाहेंगे आप राजनीति में आए या फिर पॉलिटिकल कोई व्यू है? देखिए, सबसे पहली बात तो राजनीति को किस तरह देखा जाता है कि राजनीति गंदी चीज है जिसमें अच्छे आदमी को नहीं आना चाहिए। बल्कि मेरा मानना ये है कि अगर आप समाज को सबसे तेजी से सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राजनीति में ही आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आपको वर्सेटाइल काम करने का मौका, मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। बस यही मेरी सोच थी कि हम विकास करने के लिए जो पहले से नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ के जितने भी अधिकतम प्रतिनिधि होते हैं अधिकतम उनकी जो लड़ाई रहती है रहेगी हेल्थ और एजुकेशन, और उसी को फोकस करके हम लोग चल रहे हैं कि हम हेल्थ और एजुकेशन में सुधार कर पाए। क्योंकि पिरान कलियर में जो पिछड़ापन दिखता है वो सबसे ज्यादा इन्हीं सेक्टर्स में लगता है कि हेल्थ में और एजुकेशन। अच्छा दानिश जी, और भी सवाल करेंगे आपसे हम। आप पहले कांग्रेस में थे, आपने कांग्रेस में बेहद मेहनत की, किस उम्र में आप राजनीति में आ गए थे? क्योंकि छोटी सी उम्र, मुझे लगता है कि आप छोटी सी उम्र में राजनीति में, क्योंकि आपके कॉन्टेक्ट में पहले से ही हूं मैं, तो आप किस उम्र में राजनीति में आए? मैं 2014 में राजनीति में आ गया था, उस वक्त मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। फिर उसके बाद मैं पदाधिकारी बना, कांग्रेस का जिला महासचिव में नियुक्त हुआ। उसके बाद इलेक्शन आए, बीच में खूब हमने मेहनत की। कांग्रेस में जो यहाँ कमी रही है खासकर, वो अपने पदाधिकारी पर ध्यान नहीं दिया जाता है, खासकर से जो होता है कोई एक उनकी चेन नहीं है कि कोई ये पीछे मेरा पदाधिकारी आगे ये रहेगा, ये कुछ नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं पता बाहर क्या होगा, लेकिन मेरी विधानसभा में तो यही है। उसके बाद मैंने भीम आर्मी ज्वाइन की, भीम आर्मी से मैं यहाँ पिरान कलियर में नगर अध्यक्ष था, अब मैं विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ भीम आर्मी में। तो राजनीति में आने का मतलब ये था, जैसे दानिश भाई ने आपको बताया कि हाँ पे जो एक सोच है, बहुत छोटी सोच है लोगों, बहुत ही छोटी सोच में संतुष्ट रखते हैं अपने आप को, नाली गाड़ी पकड़ी गई तो छुड़वाना, ये सब चीजें हैं। अब एजुकेशन में बहुत पीछे हैं हम, हॉस्पिटल सुविधा नहीं है यहाँ खासकर, अब जो ये मूलभूत सुविधा है इनसे ही हम बहुत पीछे हैं। पानी की दिक्कत है, आप बताएं पानी की दिक्कत है यहाँ,
किरान कलियर के अंदर पानी भी टाइम से नहीं मिल पा रहा। आप खोज पाओगे विधानसभा किरान कलियर, आज हम विश्व गुरु की बात करते हैं, चाहे उसमें बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो पानी जैसी दिक्कत भी हमें बहुत ज़्यादा है। और आप अभी आए होंगे, आपको और आपने देखा होगा कितनी गंदगी हो रही है अभी, नगर पंचायत भी है किरान कलियर, अभी भी गंदगी कितनी ज़्यादा है, आपस में नेताओं के टकराव होते रहते हैं, काम पे ध्यान नहीं है। तो ये सोच के कि हम कुछ अपने समाज के लिए कर सके, अपने कौम के लिए कर सके, अपने आदमियों के लिए कुछ कर सके, तो ये इस सोच से हम राजनीति में आए हैं। और बाकी तो राजनीति कोई गंदी चीज़ नहीं है इसमें। कितनी उम्र में आ गए थे आप, उम्र बताएंगे कि लगभग उस टाइम कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र अभी 25 साल है, मैं आ गया हूँ कोई 16-17 कर रहा हूँ उम्र में। जुनून ये बड़ा जुनून है अपने करियर को लेकर। करियर की और भी तस्वीर हम दिखाएंगे, कैसा लगता है करियर और कितना खूबसूरत है चेहरे देख कर लोगों के, जैसे लोगों के काम हैं, लोगों के काम भी अच्छे हैं करियर में, मैं देख रहा हूँ, लेकिन जो रहन सहन है वो अच्छा नहीं है, गलियाँ सही नहीं है, मक्खी मच्छर काफी है। और स्मार्ट सिटी की हम बात कर रहे हैं इस देश में 2021, तो करियर को आप कैसा बनाना चाहते हैं? अगर राजनीति में आप बढ़ते हैं आप कैसा बनाना चाहते हैं? फिर बात करेंगे मुद्दे पर, उनकी जो कमियाँ हैं। डस्टबिन हो आपके पास, लेकिन नगर पंचायत आपने देखा होगा डस्टबिन नहीं है, अगर डस्टबिन यहाँ है तो वो कूड़े करकट उसमें भरा होगा, वो खाली नहीं होते टाइम पे, क्योंकि कूड़े से भी जो डस्टबिन थे उनसे परेशान हो गई थी पब्लिक कि कूड़ा तो उसके अंदर है लेकिन वो खाली नहीं हो पा रहा टाइम से। बहुत समस्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ, आवाम को भी आगे आना पड़ेगा प्लस नेताओं को भी आगे आना पड़ेगा, उसके बाद जाके यहाँ कुछ सुधार हो सकता है। अच्छा, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल है मेरा आपसे कि करियर को कैसा होना चाहिए, क्योंकि नेता कौन होगा कौन नहीं वो बाद की बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पर्यटन का एक हिस्सा है आपको भी पता, उत्तराखंड सरकार में कहीं ना कहीं करियर को सपोर्ट मिलता है, पैसा खर्च होता है करियर के नाम पर, यहाँ पर बजट अलग आता है, तो कैसा होना चाहिए था जिस बजट की हम बात करते हैं कि सरकार बार बार विधानसभा में बातें होती है करियर की, क्या वैसा है करियर? मेरे ख्याल से बात हमारे दानिश भाई ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझा सकते हैं, क्योंकि ये पार्षद की है। आप बताइए दानिश, कैसा होना चाहिए था करियर? देखिए सबसे पहले तो करियर का अगर मैं बताऊं कि मेरे ड्रीम में करियर आता कैसा है, देखिए आज अगर मेरी बहन को, किसी की बेटी को अगर ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो फिर 10-10 किलोमीटर दूर कॉलेजों में जाना पड़ता है, हमारे यहाँ एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी में मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाती है तो 10-15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। और उसके बाद अगर कनेक्ट करेंगे, रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, जो रास्ता आधे घंटे का है उसे पार करने में 1-1 घंटा लग जाता है। तो मेरे ड्रीम का करियर तो ऐसा होना चाहिए कि हमें पढ़ने के लिए बाहर ना जाना पड़े, हमें मेडिकल इमरजेंसी में बाहर ना जाना पड़े, हमारी रोड की कनेक्टिविटी शहरों से ऐसी अच्छी हो कि जहाँ आधा घंटा लगता है वहाँ 15 मिनट में हम लोग पहुँच जाए, तो कम से कम ऐसा तो होना ही चाहिए। और जैसे भी आपने बात कही कि करियर के नाम से बजट अलग आता है, ऐसा कुछ नहीं है, करियर के नाम से कभी कोई बजट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि कई बार दरगाह में जो पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट ने उस पैसे को अपने लिए यूज कर लिया गया है। बार बार इस तरह के प्रस्ताव माननीय विधायक के द्वारा विधानसभा में रखे गए हैं कि मेरे के लिए अलग से बजट दिया जाए, किरान कलियर क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ से एक अच्छी खासी इनकम स्टेट गवर्नमेंट की होती है, तो यहाँ के लिए अलग से बजट दिया जाए, परंतु आज तक भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, किसी भी तरह से कोई बजट किरान कलियर के अलग से नहीं दिया गया। जो विधायक निधि में पैसे आते हैं विधायक जी द्वारा वो खर्च किए जाते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वही जो रोड वगैरह के पैसे आते हैं सिर्फ वो दिए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं दिया गया। अच्छा, मान लो कि हम अगर करियर को फिर आपने कहा खाबों का एक शहर बनाया जाए, कैसा बन सकता है, क्या क्या यहाँ पर जो खस्ता हाल है वो क्या क्या खस्ता हाल है जिन पर सुधार होना चाहिए? देखिए जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। हमारे यहाँ दरगाह है, दरगाह साबिर पागेश के अलावा दो दरगाह और है जो बोर्ड के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं, यहाँ करोड़ों रुपए की इनकम है। अगर वही इनकम का एक छोटा सा हिस्सा भी किरान कलियर में लगा दिया जाए तो मुझे उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट से भी हमें कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आज की डेट में भी मेरे हिसाब से करीब 18 करोड़ रुपए दरगाह के बैंक अकाउंट्स में पड़े हैं, एफडी बनाए हुए पड़े। बताइए वो पैसे क्या कर रहे हैं? वो अगर मैं देसी भाषा में हूँ, क्या वो अंडे दे रहे हैं पैसे? क्या वो डबल हो जाएंगे? अगर उस पैसे को आवाम के लिए यूज किया जाए तो बहुत अच्छा करियर हम लोग बना सकते हैं। आप देखिए, आप सोचिए, विश्व प्रसिद्ध जगह है, मेला यहाँ भरता है, लाखों लोग आते हैं, और ये सिर्फ इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आते हैं। तो अपने आप में विश्व प्रसिद्ध जगह है और इसको भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे, जबकि हमें बाहर से पैसे की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ दरगाह का जो पैसा है वो हम लगा लें, रोड यहाँ के अच्छे कर सकते हैं हम लोग बहुत सारे, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है हमारे। थोड़ी दूर पे एक बाबनदरा नामक एक जगह है, उसको हम सुधार के उससे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा अजमेरी गेट नामक एक जगह है, बड़ी फेमस जगह है, अगर उसको बकबोर्ड अपने अंडर कंट्रोल लेके उसका सुधार करें तो वहां से भी हम अच्छा अर्न कर सकते हैं। सिर्फ हमारी इनकम जो है वो सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ दरगाह पे डिपेंड है। अगर दरगाह को यहाँ से हटाकर देखा जाए तो हमारे करियर मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? ये दानिश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर दरगाह को आप यहाँ से हटा दी जाए तो मूलभूत सुविधाओं से बहुत ज्यादा वंचित हो जाएंगे हमारे पास यहाँ का रोजगार। लोगों का दरगाह से ही, दरगाह से ही, यहाँ सबका रोजगार, ज्यादातर नहीं सबका रोजगार ही दरगाह से है। दरगाह अब बंद है, दरगाह अब आप देख रहे होंगे कलियर की हालत कैसे। और अगर दरगाह बंद रहे और मार्केट भी खुल जाए तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई पर्यटक नहीं आएगा, पर्यटक नहीं आएगा, कोई बाहर से कुछ नहीं होगा, इनकम सोर्स यहाँ से दरगाह। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ सवाल और लेता हूँ आपसे। नेता है कांग्रेस के विधायक चौहान, उनको लेकर आपकी सोच क्या है? क्या लगता है आपको कि वो सुधार कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी योजना उनकी है, तो क्या कह रहे हैं कि अपेक्षा सुधार आया है या उससे ज्यादा कलियर पिछड़ गया है? देखिए, सुधार भी आया है और पीछे बैठा है, दोनों बातें। आज से पहले विकास नहीं हुआ था, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ कमियां बहुत है, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी बहुत। तो ये जिम्मेवारी विधायक की नहीं है, ये बिल्कुल विधायक जी की ही जिम्मेदारी है। और सोचना चाहिए सबको, रोड कनेक्टिविटी बहुत खराब है इतनी, यहाँ दरगाहों से रिलेटेड हो, चाहे आवाम की हो, गांव की हो, गलियां, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है यहाँ। अब आप देख रहे हो पुल बंद है, दूसरा पुल जो बन रहा है, एक पुल बंद है वो अब तक लगभग कितने साल हो गए उससे बंद है? दो साल से वो बंद है, उसकी कोई मरम्मत नहीं हुई। उसके बराबर में पुल बनाया है लेकिन कोई फायदा नहीं है, दूसरे पुल का काम अभी चल रहा है। वो कब रेडी होगा, कब तैयार होगा, कब चलेगा, कोई फायदा नहीं। लेकिन जब तक वो पहला पुल जो है वो नहीं चलेगा तब तक उन पुल का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बड़ा वाहन वहाँ शायद नहीं जा पाएगा मेरे हिसाब से। तो ये बहुत सारी यहाँ कमियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, विधायक जी के बारे में बात कर रहा हूँ आपको मैं, कैसी विचारधारा रखते हैं जनता को लेकर? क्या जनता उनसे मिल पाती है, नहीं मिल पाती है? खुद आप नेता हैं, सपासद हैं यहाँ पे, तो कैसा व्यवहार, क्या उस चीज़ से जो चीज़ वो कर रहे हैं? वो आप कहते हैं कि मैं कांग्रेस में हूँ, मैं सत्ता में नहीं हूँ, सत्ता यानी कि बीजेपी में नहीं हूँ, अगर बीजेपी की मुख्यमंत्री है तो मैं और बेहतर करियर को बना सकता रहा। एक पुल की बार बार वो बात करते हैं कि उन्होंने एक पुल बनवाया, क्या ये बात सत्य है कि पुल बनवाने से क्या यहाँ का जो रहन सहन है, सड़कों का हाल है, वो क्या बदल सकता है? देखिए, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, अगर सिर्फ सड़कें और नालों की बात करें तो डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट इसे नहीं कहते। अगर आज आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में नहीं है, परंतु आप पिछले 5 वर्ष में सत्ता में थे, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार, बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए कर सकते हैं, परंतु उस वक्त शायद आप नहीं किए, आप कर नहीं पाए, आपने चाहोगे ये आप जानते हैं। परंतु आज इस बात का बहाना ले लेना कि मैं सत्ता में नहीं हूँ तो मुझे बेमानी सा लगता है, क्योंकि आप पहले 5 वर्ष सत्ता में रह चुके हैं। अगर आप ना रहते तो चलने वाली बात है, सिर्फ एक ही पुल बनाना विकास कहा जाएगा तो ये तो मुझे लगता है बेमानी होगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक पुल बनाना कहीं भी विकास नहीं। आपने अभी तक यहाँ इंटर कॉलेज नहीं दिया है, आपने अभी तक यहाँ कोई ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं दिया, जो पहले से एग्जिस्ट करते थे इंटर कॉलेज, सिर्फ वही है। मैं खुद बाबा जी का एक कॉलेज है जो एक प्राइवेट कॉलेज है, संस्था द्वारा चला है, उसको पढ़ लिख कर एडवोकेट बनाऊँ। उसके अलावा एक और कॉलेज है ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आपने नया क्या बनाया? आप एक यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं जो हम पिछले 5-7 वर्षों से शुरू कर रहे हैं, वो आज तक नहीं बना। ये पुल आज बनकर तैयार हो रहा है जिसकी घोषणा हम पिछले 10-15 साल से सुनता है कि पुल बनेगा, पुल बनेगा, वो भी आधा पुल आपने बनाया। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारी
दो किलोमीटर दूरी पर एक गांव है धनोली, जब नाम कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं, बहुत ज्यादा फेमस जगह नहीं है, वहाँ का पुल टूटता है और 6 महीने के अंदर पुल दोबारा बन जाता है। मेरे कलियर का पुल टूटता है, 2 साल बाद उसका काम शुरू होता है, तब बराबर में काम चलता है। जब वो पुल टूट जाता है, जबकि उसकी घोषणा 15 साल से उसके बाद भी आधा पुल आप बनाते हो, आधा पुल का काम आज शुरू होता है, 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद जब भी वो कम्प्लीट होगा वो आप जाने। तो अगर आप इसको ही विकास कहते तो मैं कहूंगा कि ये विकास नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे कुछ विकास हुआ है, सड़कें बाकायदा विधायक जी ने बनाई है, नाली बाकायदा विधायक जी ने बनाई है, और शमशान घाट बनाए हैं, कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनाई, पर मुझे ऐसा लगता है कि विधायक पद के लिए बहुत छोटी छोटी उपलब्धियाँ हैं। आप बहुत कुछ कर सकते थे जो आप नहीं कर पाए, आपको नहीं करना चाहिए। आपकी सोच अलग है, उस सोच पर जब हम बात करेंगे। एक सवाल है आपसे, आपको अभी बीमारी में आप आए हैं, तो अगर आप चुनाव लड़ेंगे आने वाले समय में, अगर आपको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कहेगी कि आप चुनाव लड़ो कलियर विधानसभा से या जिला पंचायत, क्या क्या बदलाव होंगे आपकी राजनीति में, क्या क्या सोच लेकर आप कलियर को चल रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैंने आज तक नहीं सोचा कभी मैं चुनाव लड़ूंगा, कभी अगर हो ऐसा, अगर होगा तो बेशक विकास होगा, काम होगा। अगर हमारी पार्टी एएसपी पार्टी है हमारी, हम संगठन से जुड़े हैं भीम आर्मी, और अगर हमारी पार्टी से मैं नहीं कोई और होगा तो विकास जरूर होगा। हम जो मूलभूत सुविधा है उनसे तो हमने करेंगे ही, तो बड़े बड़े जो हमारे दिल में जो आज काम है, जो हम मन में आस लेके चलते हैं, जो हमारा आज हमारा समाज भी पिछड़ गया, हमारे गाँव पीछे हो गए, हम आगे लेके आए, उनके लिए काम करेंगे और आज भी अपनों के लिए काम कर रहे हैं। भीम आर्मी सदैव किसी दबे कुचले के लिए खड़ी है, खड़ी थी, है और हमेशा रहेगी। अच्छा, आने वाले टाइम में अगर राजनीति में आप दोनों का बदले, इसका बदलने वक्त नहीं लगता, तो क्या सोच है, क्या टीस है कि हमें कलियर को ऐसा बनाना? कलियर में, कलियर में पहले तो यहाँ अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है अभी कोरोना का, और आप सोचो कैसी कंडीशन हो रही है अभी कोरोना की महामारी आ रही है। अच्छा, इसके बारे में बात करूँगा, अलग से इंटरव्यू करूँगा आपका, हॉस्पिटल के वाला वक्त क्या बता रहे हैं आप? हॉस्पिटल चले, यहाँ बहुत सारी सुविधा हो सकती है, जैसे कि यहाँ एक भी प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है जो एक युवा आगे बढ़ सकता है, अच्छे स्कूल नहीं है, ठीक है, पुल अब बन रहा है जी, कितना टाइम हो गया है सरकार को, पहले जैसे दानिश भाई ने बताया कि पहले भी कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में राज्य में, उनकी ये जो घोषणा हुई थी मेरे ख्याल से जो कांग्रेस के जी उनकी सरकार में स्कूल की घोषणा हुई जी, तो ये अब जाके बना है और दूसरा बन रहा है, तो विकास तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। देखो, युवा छात्र नेता रहे हैं दोनों, और सोच बड़ी है, बड़ा जुनून है, ये कलियर विधानसभा सीट है जहाँ पर हम बैठे हैं, लेकिन सोच के साथ साथ आदमी के मकसद भी पूरे होते हैं। अगर वो राजनीति में है तो कहीं ना कहीं उसका वक्त भी बदलता है, और ये आने वाले टाइम के नेता है, अगर आने वाले समय में ये नेता बने तो कहीं ना कहीं आप भी इनसे काम ले लीजिएगा। और ये दोस्त हैं, सपासद हैं, अभी काम कर रहे हैं, अभी महिला बैठी है यहाँ पर, वो भी इंतजार कर रही है कि हमारा ये काम हो जाए तो कहीं ना कहीं इनकी खत्म होने के बाद भाई साहब काम करेंगे। तो आप समझिए, छोटी उम्र में राजनेता बनना या नेता बनना कितना मुश्किल है। मैंने जब इनसे सबसे बात करी, उन्होंने कहा जैसा नेता दिखता है वैसा होता नहीं है, क्या क्या समस्या आती है उन्होंने बात की, लेकिन करियर को लेकर उन्हें दुख है, तकलीफ है, क्योंकि शासन प्रशासन नेता सब बुलंदे हैं इस कलियर को बर्बाद करने। आप समझ सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर बैठे खा रहे हैं, कहीं कमीशन खा रहे हैं तो कहीं परसेंटेज खाया जा रहा है, क्या यह बात मैं सब बोल रहा हूँ? तो ये सारी चीजें है, समस्या है, इनका समाधान कौन कर सकता है? एक अच्छा नेता कर सकता है जो इस करियर को सुधार सकता है, इस करियर में साफ सफाई कर सकता है, अच्छे पुल, अच्छी पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज बनवा सकता है, लेकिन ये तब होगा जब यहाँ पर एक अच्छा नेता होगा, अच्छे अधिकारी होंगे, तभी ये हो सकता है। और भी हम तस्वीर दिखाएंगे आपको विधानसभा करियर, आप देखते रहिए समाचार, खबर से।